मैं आ रहा था, कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो एक बंदा जा रहा था, मैंने उससे पूछा कि भाई यहाँ पे कहीं औरतों की मीटिंग हो रही है, कहने नहीं मीटिंग तेरे होते हो कठिया इन्हें जरूर थे, दो साल पहले लाठी चार्ज हो गया है। मैं कहती जी वो ही मीटिंग है, कहने नहीं जी मीटिंग नहीं है, उसे लाठी चार्ज रोज मना रही है। आपका भी बड़ा कमाल है कि एक ही लाठी चार्ज भी आपको बार बार याद आता है। एक ही कहानी है जो हम आपको 8-10 दफा तो सुना चुके हैं, मगर फिर उसके बाद वो पैगाम आ जाता है कि वही कहानी फिर आकर सुना देते, तो मतलब याद नहीं होती आपको किसी सूरत जो वो कहानी कोई कैसे सुनानी है। वो बंदा चला गया, छुट्टी हो गई, उसकी कहानी पुरानी हो गई, सबको जबानी याद होगी, फिर सुनते जाते हैं। अच्छा सुन ले कहानी है जी, वो एक बच्चे की है जो बाद में बड़ा हो गया था और बड़ी बड़ी उसकी उसने मुझे रख ली थी। जब स्कूल में पढ़ता होता था तो स्कूल में हिसाब की क्लास में एक सवाल दिया जाता था कि एक दीवार को अगर तीन औरतें और चार मर्द और पांच बच्चे मिलकर 7 दिन में बनाए तो 7 औरतें और 3 मर्द और 4 बच्चे मिलकर कितनी देर में डालेंगे, जो कुछ भी। इसके लिए ये जरूरी होता है कि पता पहले पता किया जाए कि एक औरत कितनी ईंटें लगाती है दिन में, मर्द कितने लगाता है और बच्चे कितने लगाते हैं। फिर और उसका जो सवाल ये करता था तो हमेशा जवाब ये निकलता था कि 2 औरतें मिलकर 1 मर्द के बराबर है। वो बड़ा भी हो गया, पॉलिसी बनानी उसने शुरू कर दी और बादशाह हो गया बल्कि, मगर ये सवाल उससे नहीं निकला। जब भी ये सवाल निकालता था तो यही जवाब आता था कि 2 औरतें मिलके 1 मर्द के बराबर होती हैं। आ जाओ जी। तो फिर हर चीज उसूल के मुताबिक होती है, तो कमीज मुझको ही
खुशबू होती है और पेटी मुझको इशू होती, टोपी उसको इशू होती है, पिस्तौल मुझको इशू होती, गोली इसको पिस्तौल और गोली इशू होती है। हाँ जी, वो इसको काबले के ये जो डाकू वाकों के साथ होता है। हाँ जी, ठाठू सब है तो ये तो बड़ी खतरनाक चीज होती है। बहुत खतरनाक चीज होती है जी, खासतौर पर अगर आपकी गोली के बीच में पिस्तौल ना हो और उनकी गोली पिस्तौल के बीच में गोली ना हो। नहीं, मगर देखें ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, गोली चलती है वहाँ पे। हाँ जी, बड़ी खतरनाक चीज है और कई औरतें खर्च हो जाती है। वो मर जाती है उसके कभी, हमने अखबार में पढ़ी पड़ी जी, हमेशा अखबार में लिखा होता है, पर गोल गोल करके लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं गोल गोल? आपने कई दफा पढ़ा होगा अखबार में लिखा होता है, दो औरतों ने हालात से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मारी जाती है पुलिस मुकाबले में, लिख देते हैं खुदकुशी कर ली। हाँ जी, अगर आपकी पिस्तौल में गोली ना और अगले की पिस्तौल में गोली हो तो फिर और खुदकुशी नहीं तो और क्या है। और किस्म की चीज है ना, इसीलिए औरतों के लिए खास तौर पे सरकार की जब नौकरी करे तो उनके लिए उसूल बनाए गए हैं। मसलन औरतें जब नौकरी करती हैं तो उनको मैटरनिटी लीव मिलती है। तो मैटरनिटी लीव का क्या क्या बंदोबस्त करते हैं? देखिए ना जी, ये भी असूल के मुताबिक अब 9 महीने होते हैं मेटर्निटी का पीरियड और उसका 1/3 यानी 1/3 यानी 3 महीने मेटर्निटी लीव। अब क्योंकि हम दो एक ही होते के ऊपर 5, इसलिए 1.5 महीना उसका 1.5 महीना। इसके बारे में रूल्स नहीं बनाए जाते, तो कुदरत का निजाम है ना। कुदरत का निजाम है कि 9 महीने लगते हैं, ये तो नहीं हो सकता कि 2 महीने तो 7.5 महीने में फिट कर दो। ये तो आप कह रहे हैं ना, वो तो कहते हैं कि हम 9 हफ्ते लगा के 1 ही महीने में पटा दो। ये सारा मैटरनिटी लीव का चक्कर खत्म हो जाएगा 10 दिन की कैजुअल लीव में काम। नहीं देखें, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि औरतों की तो बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारी जिंदगी के अंदर, मतलब सकाफत में बड़ा हिस्सा है। अब मैडम नूर जहां तो उनको उस कोई मलका तरन्नुम कहता है ना, ये पुरानी बात, अब वो मलका तरन्नुम नहीं रह सकती। क्यों क्यों नहीं रह सकती? मलका तो सबसे बड़ी होती है ना, आपने सुना होगा जी, ये मतलब पहली मलका, दूसरा वजीर, तीसरी पीर, चूड़ियों की पीर, तो सबसे बड़ी मलका नहीं होती। अब मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां, मलका तरन्नुम अब नूर जहां जो मलका तरन्नुम नहीं रहेगी फिर क्या हो जाएगी? वजीर तरन्नुम। मलका तरन्नुम उससे बड़ा होगा तो मलका तरन्नुम कौन होगा? इलेक्शन होने वाले। नहीं देखें, ये तो वहां पे कानून बना है ना, तो इसके लिए तो उनको को बिल शिल लाना पड़ेगा। तो बिल कोई आया है? अब बिल कौन सा आ रहा है? टेलीफोन का बिल दे दिया, गैस का बिल दे दिया, बिजली का बिल दे दिया, अब कौन सा बिल? नहीं बीबी, वो मैं दूसरे बिल की बात कर रहा हूँ। एक जैसे वो शरीयत बिल आया है, ये कौन सा बिल? शरीयत बिल नहीं, ये तो इसका तो ना दरखास्त दी है ना